पिछले 5 दिनों से नारनौल व नागर चौधरी क्षेत्र में पारा काफी नीचे जा चुका है। आज की अगर बात करें तो तेज ठंड के चलते तापमान -1 डिग्री पर रहा, जिसके कारण खेतों में खड़ी फसल पर पाला जम गया। इस क्षेत्र के किसानों ने अपने खेतों में मुख्य तौर पर सरसों और गेहूं की फसल बोई हुई है। ऐसे में सरसों की फसल में फलियां आनी शुरू हो गई और पाला जमने से अब सरसों की फसल खराब होने लगी है। पिछले 5 दिनों से लगातार पड़ रहे पाले से किसान काफी मायूस है। आज नारनौल व नागर चौधरी क्षेत्र के किसानों ने पाले से खराब हुई फसल को लेकर नारनौल लघु सचिवालय जिला उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे। इन किसानों का कहना है कि किसान की रोजी रोटी उनकी फसल है और कोई आय के साधन नहीं होने से वह अपनी फसल पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन इस बार पाला जमने से उनकी सरसों की फसल काफी खराब हो गई है। ऐसे में सरकार उन्हें तुरंत गिरदावरी करवा मुआवजा राशि दे। किसानों का यह भी कहना था कि सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा तो किया जाता है, लेकिन फसल खराब होने पर किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलता। इस बार यहां के किसानों ने सपने संजोकर सरसों की फसल लगाई है। किसान ने बड़ी मेहनत कर और अच्छी फसल के सुनहरे सपने संजोए हुए थे, लेकिन बीते रोज तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे जाने के चलते जबरदस्त पाला और बर्फ गिरने से न केवल सब्जियों पर बल्कि सरसों की फसल भी तहस नहस हो गई। ऐसे में किसान करे तो क्या करे, और उन्हें सरकार से ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि उनकी इस दुख की घड़ी में उन्हें कुछ राहत सरकार दे दे। मेरा नाम सेंसुक है, गाँव पोतैड़ी, और हम पूरे गांव के किसान आए हैं। सारी सरसों पाले से खराब हो गई और अभी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं। किसान का बुरा हाल हो गया है, गेहूं और सरसों दोनों की नष्ट हो गई। आपके अगर मांगे नहीं मानी ना, मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे। मरना तो हमने है ही, वैसे भी मरेंगे, घर फायदा क्यों है। किसान आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो रहा है इस हालात के अंदर। 1 रुपया का पहले खेती के अंदर पैदावार वैसे तो कह रहे हैं भाई आय दुगनी हो गई, आय दुगनी हो गई तो लॉस में जा रही है। सोता बताओ, बीमा काट लेती है, बीमा काटती है कंपनियां, बीमे में इसमें मुआवजा देती नहीं। बीमे के लिए कहते हैं भाई ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्या किसान खुद सर्दी मारता है इसको। भाई साहब क्या नाम है, क्या समस्या? मेरा नाम अमर सिंह है जी, मेरा गाँव कमाणी है। हमारे नांगल चौधरी और नारों के क्षेत्र में सरसों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, 90 नहीं तो 100 की सोच समझो आप। जमींदार की हालत बहुत खुस्ता है, जमींदार इसके ऊपर ही निर्भर करता है और इसी में पूरा का पूरा नुकसान हो गया। आज आप जिला प्रशासन के पास आए, क्या मामला? ये मामला जी, किसानों के ये पाला पड़ने से बहुत भारी नुकसान हो गया, इसलिए सभी जमींदार एकत्रित होकर के और ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है सर, कहाँ से आए और क्या मामला? मेरा नाम है जी राम खिलाड़ी, गांव तोतैड़ी से किसान परिवार से हूँ। और सर हमारे इसलिए आए हैं, आप डीसी साहब से मिलने आए थे, ज्ञापन देंगे। डीसी साहब से सरकार को ज्ञापन जाए कि हमारे फसल में बहुत 100% नुकसान हो गया, क्योंकि पाला बहुत ज्यादा गिरा है 5-4 दिन से, उसमें बिल्कुल सरसों तो जम की खत्म ही हो चुकी है। तो डीसी साहब से हम आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन देंगे गाँव वाले, हमारे को कुछ सहायता फसल के बारे में मिले तो किसान बेचारे जीवित रह सकते हैं, नहीं तो किसानों का मरना हो गया, खेती पर ही निर्भर करते हैं जी। सर पहले भी किसानों के बीमा किए गए थे, क्या है मामला? अजी बीमे से तो कुछ लोगों को तो मिला था, पर हर आदमी को नहीं मिल पाया, वो कुछ नहीं मिला जी किसी को भी। और बीमा तो हर साल करते हैं जी, बीमा तो मिलता कुछ नहीं, ना कुछ आता है, अन्नी नहीं मिलती जी।